Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ विंटर हॉल. ये कुछ आइटम्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिक्स है एक्चुअली. कुछ मैंने दुबई से खरीदे हैं बिफोर मूविंग हेयर और कुछ मैंने यहाँ से बाय किए हैं. ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज एंटरटेनिंग, आपको मजा आए देखने में और कुछ भी पसंद आता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. ठीक है, दैट रियली मीन्स अ लॉट. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट. सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ मैं दुबई से क्या लेके आई हूँ. ठीक है, तो मैं दुबई से लाई हूँ ये ब्यूटीफुल सा स्वेटर. आप देख रहे हैं ये कलर मेरे पास, सच बताऊं को ऐसा कलर मेरे पास नहीं है. मैं सोचा कि ना मैं ये डार्क ब्राउन कलर लूं क्योंकि बहुत अच्छा है. इट्स नॉट वेरी वार्म, मतलब नॉर्मल निटवेयर है ये, बट मैं इसको जब भी स्टाइल करूंगी मैं इसको लेयरिंग के साथ स्टाइल करने वाली हूँ. तो या ये क्रॉप्ड है, ज्यादा बड़ा नहीं. एंड या इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कलर स्वेटर. मैंने एक्चुअली सच बताऊं ये कलर की वजह से लिया है. तो या ये मेरे को मिला है फॉर 59 dirhams, दैट मीन्स अराउंड 60, दैट मीन्स अराउंड 1200. नेक्स्ट जो मैंने जॉगर पैंट्स ली हैं वो है ब्यूटीफुल सा जो पर्पल कलर होता है ना, पर्पल से भी बिल्कुल लाइट लाइट बेसिक लाइट कलर जो होता है वो है ये कलर. और ये बहुत अच्छा है और यहाँ पर लाइक आप देख सकते हैं इलास्टिक काइंड ऑफ एंड इट कम्स विद द ड्रॉ स्ट्रिंग्स. और मैं इससे अपनी वेस्ट को एक्सेंचुएट कर सकती हूँ. मेरा जो साइज है इट इज स्मॉल और या अच्छा है ये, काफ़ी कंफर्टेबल है. और इसके अंदर जो फैब्रिक है इट्स अ काइंड ऑफ फ्लीस लाइनिंग, नहीं होती जो थोड़ी सी वॉर्म रखती है आपको आपकी लेग्स को. सो इस तरीके की लाइनिंग दी हुई है. इट्स अ ब्यूटीफुल कलर. सच बताऊँ अगेन मैंने इसको कलर की वजह से लिया क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही क्यूट है और इस तरीके का कलर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये ले लिया. और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये डिस्काउंट पे लगा था फॉर 75 और 80 dirhams, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या मुझे अफोर्डेबल मिल गया ये. नेक्स्ट जो मैंने पीस लिया है वो है फ्रॉम H&M अगेन. इट्स अ ड्रेस. ओके, तो ये बॉडीकॉन ड्रेस है. सेम मैंने अपनी भाभी के लिए भी ली थी जब मेरी मम्मा आए थे तभी मैंने शॉपिंग की थी. ब्यूटीफुल वेलवेटी मटेरियल, बहुत प्यारी ये ड्रेस है फुल स्लीव्स के साथ. I can't wait to style this dress in Indian style. Like इसके साथ अच्छी सी एक दुपट्टा and heavy jewelry. आप देखोगे बहुत ही जल्द, आप देखोगे मैं इसे कैसे स्टाइल करती हूँ. इसके ऊपर जो काम हुआ है ना, एक होता है ना सर्वोस्की वाला सीक्वेंस लगा हुआ है, वैसा वाला नहीं है ये, मेटल का जो सीक्वेंस होता है ना उस तरीके का सीक्वेंस वर्क है. आप क्लोजअप में देख सकते हैं ऐसा लगेगा कि कोई ऐसे स्टोन्स लगे हैं, बट ये स्टोन्स की शेप में जो मेटल स्टोन्स होते हैं ना वो लगे हुए हैं. ठीक है, तो या इट्स अ ब्यूटीफुल बॉडीकॉन ड्रेस एंड आई लव कि ये पूरी हाई नेक है यहाँ तक है. और या इसके साथ अच्छा सा लो बन करके एंड हैवी हैवी इयर रिंग्स, यू नो इस तरीके की ड्रेसेस आप स्टाइल कर सकते हो फॉर योर वेडिंग्स, नॉट फॉर योर वेडिंग्स, फॉर अपकमिंग वेडिंग्स क्योंकि शादियाँ शुरू हो गई हैं. सो या इट विल कीप मी वॉर्म एंड कोजी और ये अच्छी लगती है इस तरीके की ड्रेसेस. सो रियली रियली गुड. एंड ये मेरे को फुल प्राइस में मिली है फॉर 85 dirhams. ये एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को दिलवाई है ये. इनफैक्ट H&M में जितने भी कपड़े ना वो सब पापा ने दिलवाए हैं मेरे. ठीक है, तो ये मेरे को 85 dirhams की मिली है. बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाइक 85 में दैट मीन्स अराउंड 1600-1700 रुपये में आपको इतनी प्यारी ड्रेस मिल रही है यार, दैट टू वेलवेट. तो बहुत ही अच्छा है. दिस इज फ्रॉम ज़ारा और ये है हाई राइज वुलन में लॉन्ज वेयर काइंड ऑफ ट्राउजर्स होते हैं ना जो उस तरीके के हैं. ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइज, बहुत कंफर्टेबल हैं ये ट्राउजर्स. और जो मेरा साइज है इट इज़ मीडियम. और सच बताऊंगी बहुत कैजुअल लगते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं. इसके अंदर लाइनिंग दी हुई है, इट्स अ फ्लीस लाइनिंग जो वार्म रखती है लेग्स को. सो बहुत ही अच्छा लगा. और सच बताऊं उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इट्स सो सॉफ्ट, इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल या बहुत अच्छे हैं. इस तरीके के लाउंज वेयर्स आपके पास होने चाहिए. लास्ट आइटम फ्रॉम ज़ारा जो मैंने दुबई से खरीदा है, ओके दैट ट्राउजर्स वर फॉर 120 dirhams, दैट मीन्स अराउंड 2400 rupees, विच आई थिंक इज रियली रियली गुड. उस पर कोई ऑफर नहीं था. नेक्स्ट मैंने अपने लिए लिया है एक लॉन्ग कोट. आपने मेरे को देखा होगा इसको वेयर किए हुए. और ये लॉन्ग कोट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस कलर. बेज कलर है और ना ही ये ब्राउन कलर है. इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटेड ग्रेइश ब्राउन का मिक्स. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस कलर या. सो या बहुत ही अच्छा कलर है ये. और सच बताऊं इतना वार्म तो नहीं मैं बोलूंगी,
मैं इसको स्टाइल करती हूँ विद स्वेटर, विद नेटेड स्वेटर. मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा. तो उस तरीके से मेरे को काफी वार्म रखता है. इसके साथ पॉकेट्स भी हैं, इसके अंदर कुछ है अभी स्मार्ट लुकिंग, या बहुत ही अच्छा लगता है. और जो मेरा साइज है, मैंने इसमें लार्ज लिया है, क्योंकि मैं जब भी कभी भी अपने ब्लेजर्स लेती हूँ या मैं कभी भी कुछ इस तरीके के यू नो जैकेट्स लेती हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं लार्ज साइज लूँ, मैं एक साइज अप जाऊँ. क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर जब वुलन्स डालते हैं, निटेड स्वेटर्स डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप साइज डाउन लोगे तो इट विल मेक यू अनकम्फर्टेबल. ओके, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जब भी आप वुलन्स में जैकेट्स या इस तरीके से आप कोट्स लेते हैं, ऑलवेज गो फॉर अ साइज अप. ऑलराइट, अगर आप साइज मीडियम हो, गो फॉर साइज लार्ज. इफ यू आर साइज लार्ज, देन गो फॉर एक्सेल. उससे ही आपको कंफर्टेबल एक लुक मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने साइज की ही ये लोगे तो ट्रस्ट मी, यू आर गोना फील वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल. आई हैव बीन डूइंग दैट. ठीक है, मैं अपने साइज का ही कोट ले लेती थी, एंड उसकी जब और जब मैं एंट्रेंस में स्टाइल करती थी उस कोट को, तो मैं इतनी ज्यादा सफोकेटेड फील करती थी. सो ऑलवेज टेक अ साइज अप, मेरे कहने पे. क्यूट दिस बिनी लुक्स गाइस, और ये मिकी माउस, एंड दिस वन आई गॉट फ्रॉम दुबई. बहुत सस्ती थी वहाँ पे, फॉर 10 dirhams और 15 dirhams आई थिंक. और ये बहुत 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 प्यारी है, वेरी वेरी नाइस निटेड है ये, और काफ़ी ज़्यादा वॉर्म है यार. मतलब ये मैंने सब चीज़ें ली हैं दुबई से. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या खरीदा है. यहाँ से यू नो दिस थिंग, यू नो दिस ब्रांड, राइट, कॉल्ड प्राइमार्क. प्राइमार्क में काफ़ी अच्छा, काफ़ी अफोर्डेबल, एंड सच बताऊँ काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे. इनफैक्ट जो आपको ज़ारा पे स्टाइल्स मिलेंगे ना, वही सब आपको प्राइमार्क पे भी मिल जाएगा. मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो ये बहुत ही प्यारा रिब्ड मटेरियल में जो टॉप्स आते हैं ना, बहुत अच्छा है. और इसका जो शेप है, दैट इज़ वी नेक. मैं इसको कैसे स्टाइल कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं कोई भी यू नो हाई नेक पहन सकती हूँ, या मैं इसको लेयरिंग के काम भी आ सकती. 600 rupees, ऑल राइट. तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम्फर्टेबल मटेरियल है, एंड इट्स वेरी स्ट्रेची एज वेल. तो इस तरीके का ये स्वेटर आता है, बहुत ही अच्छा है. ये ग्रे काइंड ऑफ ग्रे, लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जो नेट का काम हुआ है ना इसमें, वो लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे का है. एंड इसका ये जो हाई नेक यहाँ तक है, आई लव स्वेटर्स जो इतने हाई नेक हो. यू नो इट लुक्स सो शीक यू गाइज. आई एम गोना मेक अ लुक बुक हाउ टू स्टाइल योर विंटर वेयर. वैसे मैं शॉर्ट्स तो बना ही रही हूँ, अगर आपने वॉच नहीं की है तो सारी शॉर्ट्स मेरे आप देख लेना, प्ले लिस्ट में बना लूंगी एक, तो उसमें आप देख सकते हो. बाकी या इस तरीके से आप स्वेटर्स को स्टाइल कर सकते हो. इट रियली लुक्स गुड, राइट, ब्यूटीफुल. दिस मरून काइंड ऑफ कलर, और ये थोड़ा सा क्रॉप्ड है, और इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी है. यू गाइस कैन यू सी दैट, सी हाउ ब्यूटीफुल दी स्लीव्स आर. एंड या इसके यहाँ पे स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, सो दैट आई कैन यू नो टाई अ नॉट. और इसके साथ कैप भी आती है. इट लुक्स रियली रियली शीक, बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की कैप्स. और ये बहुत ही बैगी काइंड ऑफ यू नो जम्पर है. सो या बहुत अच्छा है. एंड अगेन माई साइज इज, मैंने मीडियम लिया है इसमें. मैं ना हमेशा फैब्रिक की क्वालिटी देख के साइज लेती हूँ. सो या ये थोड़ा सा बैगी काइंड ऑफ, तो इसलिए मैंने मीडियम लिया. हाउ ब्यूटिफुल दिस कलर इज यार. मैंने कलर की वजह से स्वेटर लिया है. बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके का ये स्वेटर है, रिप्ड मटेरियल है, एंड अगेन वेरी कोजी, वेरी वॉर्म. एंड द स्लीव्स आर, मुझे सच बताओ, मुझे जब भी मैं जंपर्स या स्वेटर्स पहनती हूँ ना, मुझे इसकी स्लीव्स यहाँ तक अच्छी लगती है. लाइक उनकी लेंथ ना छोटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट मतलब ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके की. इट लुक सो गुड यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है. और यहाँ पे तो इतनी सर्दी है, मेरा साइज है लार्ज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें लार्ज ही खरीदना चाहिए. बाकी तो मीडियम भी खरीदी, वो भी मेरे को फिट होता, बट यू नो आई लव लूज फंकी काइंड ऑफ स्वेटशर्ट्स. ये मेड यूजिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक. ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर दिया होता है इन्होंने कि ये किस किस तरीके से बना हुआ है. इस तरीके का है, ठीक है. और ये कलर मेरे को बहुत अच्छा, वैसे इस तरीके का है मेरे पास ऑलरेडी, बट इतना हाई नेक नहीं है वो. और ये भी बहुत ही प्यारा है टॉप. और या अगेन इट्स मेड यूजिंग सस्टेनेबल फाइबर्स. तो ये मेरा साइज लिया है लार्ज, विच इज 14 to 16. तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, नॉट एट ऑल बैड क्वालिटी, कोई कंप्लेन नहीं है क्वालिटी. स्ट्रेच आप देखिए काफी अच्छा है. मैं इस पर मीडियम में लेती तो भी अच्छा होता, बट मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा लूज हो. आई लव द कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन बेज कलर, नॉट दिस वन. ये भी ब्राउन है, बट ये थोड़ा डिफरेंट पिंक अंडरटोन है इस कलर का. सो बहुत ही अच्छा है. लास्ट स्वेटर, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट स्वेटर, बिकॉज यू नो आई वॉज लुकिंग फॉर दिस कलर एक्चुअली. इट्स नॉट एग्जैक्टली वाइट,
व्हाइट व्हाइट वाला स्नो व्हाइट, इट्स नॉट एग्जैक्टली येलो, इट्स नॉट एग्जैक्टली लेमन, बाकी इस तरीके का एक कलर है. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्रीम कलर. एंड या एंड ये क्रीम कलर भी वैसा है जिसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा लाइट येलो का भी काम है और थोड़ा थोड़ा इस पर बिल्कुल क्रीम कलर का भी है. ठीक है, अगेन वेरी फ्लोई वेरी लूज काइंड ऑफ जंपर इट इज. एंड मेरा साइज है इसमें लार्ज. अगेन ये जो बनाया गया है इट्स मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक विच इज गुड. और लास्ट साइज है. एंड या आई लव 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 दिस वन. या मतलब ये मेरे को इतना अच्छा लगा. इसकी स्लीव्स आप देखें, बहुत प्यारी इसकी स्लीव्स है. एंड अगेन वेरी फ्लोई वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड द फैब्रिक इज टॉप नॉच, वेरी गुड क्वालिटी फैब्रिक. नेक्स्ट आइटम फ्रॉम H&M जो मैंने खरीदी है यहाँ से, यहाँ यूके से खरीदी है, वो है ये बूट्स. ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही स्टाइलिश है. एंड लुक एट द सोल, काफ़ी मतलब बल्की है ये शूज़, काफ़ी हैवी है ये. और द बेस्ट पार्ट इज दिस थिंग. ओके गाइज, विद दैट यहाँ पे होता है ये विंटर हॉल ख़त्म. आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो. और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी कौन सी फेवरेट आइटम थी. मुझे कमेंट करके बताओ अभी राइट नाउ, पॉज द वीडियो एंड कमेंट मी. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन नाउ विद द ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल. बाय.